अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कल्चर। कल्चर हैज द इन्फ्लुएंस ऑन सोशल लाइफ। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द कल्चर फॉर हैविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ सोसाइटी। तो अगर हमने सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए हमें कल्चर भी स्टडी करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू वेरियस सोशियोलॉजिस्ट, देर आर डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ कल्चर। अकॉर्डिंग टू मेलिनो के, कल्चर इज द हैंडीवर्क ऑफ मैन दैट द मीडियम थ्रू विच ही अचीव हिज एंड। तो कल्चर क्या है? हैंडीवर्क मीन्स विच इज द वर्क डन बाय द हैंड। ठीक है, तो इट इज द वर्क डन बाय द हैंड्स ऑफ अ मैन एंड एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू वो अपना गोल को अचीव करेगा, एंड को अचीव करेगा। अकॉर्डिंग टू सीसी नॉर्थ, कल्चर कंसिस्ट इन द इंस्ट्रूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मैन। कल्चर क्या है? एक ऐसा टूल है विच इज मेड बाय द मैन। क्यों? टू असिस्ट हिम इन सेटिस्फाइंग हिज बेसिक नीड्स, ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाए। अकॉर्डिंग टू टाइलर, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल। कल्चर क्या है? एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड होल है, कंप्लीटनेस है, जिसमें क्या क्या चीजें आएंगी, विच इंक्लूड नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल लॉ, कस्टम एंड अदर कैपेबिलिटी एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स होल बोला गया। होल मतलब कंप्लीट, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड होल, जिसमें नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल लॉ, कस्टम और अदर कैपेबिलिटीज आएंगी, विच आर एक्वायर्ड बाय मैन, है ना, जो जो ह्यूमन बींग है अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करता है। दे आर नॉट इनबॉर्न एज द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो अकॉर्डिंग टू ए एफ वॉल्टर पॉल, कल्चर इज द टोटैलिटी ऑफ द ग्रुप। टोटैलिटी ऑफ ग्रुप में मतलब टोटैलिटी में क्या चीजें आएंगी? थॉट एंड एक्शन विच आर डली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, जो और लोग भी फॉलो करते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो यू कैन लर्न एनी टू डेफिनेशन फ्रॉम दिस। आफ्टर दैट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। द कल्चर इज नॉट इनेट बट इट इज एक्वायर्ड क्वालिटी। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि जो कल्चर है इनेट नहीं है। इनेट मतलब विच इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, इनबॉर्न जो होता है ना। तो कल्चर इनबॉर्न नहीं है कि बर्थ से ही किसी को कल्चर पता है ना। तो ये कैसा होता है? एक्वायर्ड क्वालिटी है ये। इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे वो कल्चर को समझेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट है, कल्चर इज नॉट एन इंडिविजुअल हेरिटेज ऑफ मैन। कल्चर कोई इंडिविजुअल ट्रेडिशनल क्वालिटी नहीं है, बट इट इज अ सोशल प्रोडक्ट। पर ये क्या है? एक सोशल प्रोडक्ट है ना, हेरिटेज नहीं है, ट्रेडिशनल चीज नहीं है, बट ये क्या है? एक सोशल प्रोडक्ट है विच इज शेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ द ग्रुप। आफ्टर दैट, कल्चर फुलफिल द एथिकल और सोशल नीड ऑफ द ग्रुप। जो भी ग्रुप की मॉरल्स नीड हैं, मॉरल्स मतलब इथिकल नीड्स है ना, जैसे राइट रॉन्ग के बीच में फर्क पता होना, ये सोशल नीड है, वो कल्चर फुलफिल करता है, कल्चर फिल करेगा। वेरियस पार्ट ऑफ कल्चर आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, है ना, जो किसी कल्चर के अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि लैंग्वेज, नॉर्म्स, वैल्यू, रूल्स, तो ये सारे क्या हैं? एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है। कल्चर इज सम टोटल ऑफ आइडिया नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। कल्चर में क्या आएगा? आइडिया और रूल्स, नॉर्म्स एक्सेट्रा। कल्चर इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू ट्रेडिशन और कस्टम। कल्चर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। जैसे जो हमारे पेरेंट्स है वो हमें अपने कल्चर के बारे में बताते हैं, आगे जो बच्चे होंगे वो हम उनको अपने कल्चर के बारे में बताएंगे। तो इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर इज द लैंग्वेज, है ना, क्योंकि अगर सेम कल्चर है तो लैंग्वेज सेम होगी, तो इजीली मतलब अपने कल्चर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं सेम लैंग्वेज से। आफ्टर दैट, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर इज नॉट इनेट, इट इज एक्वायर्ड। कल्चर इज नॉट अ हेरिटेज बट अ सोशल प्रोडक्ट। कल्चर फुलफिल द एथिकल और सोशल नीड ऑफ द ग्रुप। वेरियस पार्ट ऑफ कल्चर आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। कल्चर इज सम टोटल ऑफ आइडिया नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। कल्चर इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू ट्रेडिशंस और कस्टम। द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर इज द लैंग्वेज। आफ्टर दैट नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, की जो कल्चर है उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, है ना, इवोल्यूशन कैसे हुआ। द एविडेंस ऑफ मेटेरियल थिंग ऑफ पीपल सच एज पोटरी, क्वाइन एक्सेट्रा।
डू नॉट टेल अबाउट द कल्चर, है ना, जो मेटेरियल थिंग्स हैं जैसे कि पॉटरी या क्वाइंस, पॉटरी हो गया पॉट्स, है ना, जो एविडेंसेस मेटेरियल थिंग्स के मिले हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स मिले हैं या पुराने पॉट्स क्वाइंस मिले हैं, वो हमें कल्चर के बारे में क्लियरली नहीं बताते हैं. बट द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ दिस रिवील द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर. बट वो क्या बताते हैं कि कल्चर डिवेल्प हुआ, वो रिवील करते हैं, वो शो करते हैं कि कल्चर डिवेल्प हुआ है. वो हमें प्रॉपरली कल्चर के बारे में तो नहीं बताएंगे, बट वो ये जरूर बताएंगे कि कल्चर में इवोल्यूशन हुआ है. इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ स्पेसिफिक कल्चर एज इट इज़ लॉस्ट इन द मिस्ट ऑफ एंटीक्विटी, है ना. तो मतलब हम जो कल्चर है, कल्चर का जो ओरिजिन है, ठीक है, उसको ट्रेस नहीं कर सकते, उसको मार्क नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ लॉस्ट इन द मिस्ट, हो गया मतलब क्लाउड्स ऑफ द एंटीक्विटी, जो पास्ट में कहीं खो गया है, ठीक है. उस चीज़ को हम जो कल्चर का ओरिजिन है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस, ठीक है, उसको ट्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जो पास्ट था उसमें वो खो गया है. After that, from the discovery and invention, culture development can be identified. But discovery या invention की help से culture development देखी जा सकती है कि culture में development हुई है. Material as well as non-material culture trait have been invented, है ना. Material culture, जैसे कि material में हमने क्या पढ़ा, pottery, coin, buildings, पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह, और जो नॉन मटेरियल कल्चर है जैसे कि आइडियाज, थॉट, नॉर्म्स, तो ये मटेरियल और जो नॉन मटेरियल कल्चरल ट्रेट है, दे हैव बीन इन्वेंटेड, वो इन्वेंट हो चुके हैं. बट दीज इन्वेंशन हैव नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिवेलपमेंट ऑफ कल्चर. बट इन इन्वेंशन की हेल्प से भी हम कल्चर में डिवेलपमेंट नहीं देख सकते हैं कि क्या डिवेलपमेंट हुई है. एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट ऑफ इन्वेंशन हैज इटसेल्फ बीन मेड पॉसिबल दैट ग्रोज आउट द कल्चर, ठीक है, कि जो इंडिविजुअल की अचीवमेंट है, जो वो न्यू इन्वेंशन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से कल्चर, नया कल्चर ग्रो हो रहा है, ठीक है, जो नई नई इन्वेंशन हो रही है, नई टेक्नोलॉजी फॉर्म होगी, ठीक है, तो उससे क्या है, नया कल्चर फॉर्म हो रहा है. द इंडिविजुअल इज नॉट द कॉज ऑफ इन्वेंशन बट ही इज ओनली द एजेंट ऑफ कल्चरल कंडीशन, है ना. एक जो इंडिविजुअल है वो इन्वेंशन का कॉज नहीं है, बट एक एजेंट है जो कल्चर को मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, नया कल्चर ला सकता है विद द हेल्प ऑफ इन्वेंशन. इन्वेंशन की हेल्प से मतलब कल्चर में मॉडिफिकेशन हो सकती है. कल्चर हैज डेवलप्ड आउट अ कॉम्प्लेक्स ट्रेट. कल्चर कैसा ट्रेट है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड ट्रेट है, विच आर इंटरडिपेंडेंट, जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. द ट्रेट आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रेट. द कल्चरल ट्रेट विच आर प्रेजेंट टूडे विल इन्फ्लुएंस द इन्वेंशन ऑफ ट्रेट विच आर न्यू, है ना. जो कल्चर प्रेजेंटली फॉलो हो रहा है, ठीक है, वो क्या इन्फ्लुएंस करता है कि इन्वेंशन हो और नया ट्रेट आए, ठीक है. जैसे अभी प्रेजेंटली जो कल्चर है, ठीक है, और प्रेजेंटली जो नई नई इन्वेंशंस हो रही है, तो नई इन्वेंशन की वजह से नया कल्चर आएगा, और जो प्रेजेंट का कल्चर है वो धीरे धीरे क्या चेंज हो जाएगा. इट मीन्स एग्जिस्टिंग कल्चरल ट्रेट आर द इम्प्रूवमेंट ओवर द पास्ट ट्रेट. इसका मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट का जो कल्चर है ना, वो जो पास्ट का कल्चर था उसमें इम्प्रूवमेंट है, कि पास्ट के कल्चर में थोड़ी इन्वेंशंस हुई, इम्प्रूवमेंट हुई, विच मे लीड टू द प्रेजेंट कल्चर, जिस वजह से प्रेजेंट का कल्चर फॉर्म हुआ. अब जब प्रेजेंट के कल्चर में भी इन्वेंशंस होगी तो नया कल्चर फॉर्म होगा. द इन्वेंटर टेक एलिमेंट फ्रॉम द ओल्ड और एग्जिस्टिंग मोड ऑफ लिविंग टू हैव न्यू मोड ऑफ लिविंग, है ना. तो जो इन्वेंटर है वो पुराने या प्रेजेंट, है ना, ओल्ड या तो जो प्रेजेंट का कल्चर है उससे कुछ हेल्प लेंगे ताकि नया कल्चर फॉर्म हो पाए. दिस मीन्स द एग्जिस्टिंग कल्चरल ट्रेट ओरिजिनेट द न्यू ट्रेट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंटली एग्जिस्ट करता है, कल्चर एग्जिस्ट करता है, वही न्यू कल्चर की फॉर्मेशन करता है जब उसमें इन्वेंशंस होंगी. एंड द इन्वेंटर गेट इम्पोर्टेंस बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूट पर्पज एंड हैंडवेयर, है ना. और इन्वेंटर को क्यों इम्पोर्टेंस मिलती है, क्योंकि वो हार्ड वर्क करता है,
ठीक है, हार्ड वर्क, एंड्योर मतलब हार्ड वर्क करता है, जिस वजह से न्यू ट्रेड फॉर्म होगा, न्यू कल्चर फॉर्म होगा. दिस मीन्स पीपल आर रिक्वायर्ड टू टेक इनिशिएटिव फॉर न्यू कल्चरल ट्रेड. इफ देयर इज नो पीपल इन सोसाइटी, इट मीन्स नो न्यू कल्चर डेवलपमेंट. अगर कोई सोसाइटी में कोई इंडिविजुअल नहीं होगा तो कोई कल्चर भी, नया कल्चर फॉर्म नहीं हो पाएगा. दिस कंटेंटमेंट विथ सम ऑफ मैनी थिंग्स प्रोवोक टू काइंड फाइंड आउट द न्यू वेज. डिसकंटेंटमेंट क्या होता है? डिसकंटेंटमेंट मीन्स बींग अनहैप्पी. अगर कोई प्रेजेंट सिचुएशन से क्या है, अनहैप्पी है, अनसेटिस्फाइड है, तो वो नए तरीके ढूंढेगा, नए नए वेज ढूंढेगा अपनी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए. दिस न्यू थिंग विल लीड टू पर्सन टू वॉट प्रोग्रेस. जिस वजह से वो पर्सन क्या है, प्रोग्रेस, अगर वो नई चीजें सर्च करेगा तो इट मे लीड टू द प्रोग्रेस और चेंज इन द कल्चर. द पेक्यूलर एलिमेंट इन्वॉल्व, पेक्यूलर मतलब जो स्ट्रेंज एलिमेंट इन्वॉल्व इन इवोल्यूशन ऑफ कल्चर इज मैन हिमसेल्फ, है ना. तो इसमें जो स्ट्रेंज एलिमेंट है वो खुद ह्यूमन बींग है. द कल्चर डिवेल्प बाय वन जनरेशन इज द बेसिस फॉर न्यू जनरेशन. अब इस जनरेशन में जो कल्चर डिवेल्प हुआ है ना, इट इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन. फिर नेक्स्ट जनरेशन में भी कुछ मॉडिफिकेशन होगी, देन इट विल ट्रांसमिट अप टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, की कल्चर कैसे फॉर्म हुआ है. मैन है, इवोल्यूशन ऑफ कल्चर हुआ. इवोल्यूशन मतलब कल्चर में डेवलपमेंट हुई. कैसे डेवलपमेंट हुई? न्यू आइडियाज, है ना, नए आइडियाज आए. जो प्रेजेंट आइडिया थे और जो पुराने आइडिया थे उनमें कुछ इन्वेंशन हुई विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू आइडिया. डिसकंटेंटमेंट विद एग्जिस्टिंग ट्रेट, है ना. डिसकंटेंटमेंट का मतलब है डिससेटिस्फाई होना, अनहैप्पी, कि जो पर्सन है प्रेजेंट का जो ट्रेट है, कल्चर है, उससे थोड़ा डिससेटिस्फाई है, तो वो नए तरीके ढूंढेगा. ही विल फाइंड न्यू वेज फॉर कल्चर, ठीक है, नए तरीके ढूंढेगा कल्चर के लिए. नीड फेल टू चेंज, ह्यूमन बींग को जरूरत लगी कि कल्चर में थोड़ा चेंज होना चाहिए, तो विच में लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ कल्चर. फॉर वन जनरेशन, है ना, एक जनरेशन में कल्चरल चेंज हो गया, सर्व एज अ बेसिस फॉर नेक्स्ट जनरेशन. तो इसी तरह से जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी कल्चर ट्रांसमिट होगा और उसमें भी यही प्रोसेसेस होंगे. उनके भी माइंड में नए आइडियाज आएंगे, इन्वेंशंस आएंगी. वो जो प्रेजेंट कल्चर है या पुराना कल्चर है उसमें वो कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और डिसकंटेंटमेंट होगी, कुछ उस कल्चर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, विच में लीड टू चेंज इन कल्चर और दे फेल्ट नीड टू चेंज द कल्चर. सेम चीज यहां बताई गई है. मेंबर ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी एलिमेंट फ्रॉम ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग मोड ऑफ लिविंग, है ना. जो पुराना या तो एग्जिस्टिंग मोड है कल्चर का, प्रेजेंट का जो कल्चर है, उसमें कुछ इन्वेंशन होगी या तो डिसकंटेंटमेंट ऑफ सम ऑफ मैनी थिंग्स, है ना, अनहैप्पी होंगे पर्सन अपने कल्चर से, या न्यू आइडियाज फॉर्म होंगे विच हेल्प डिवेल्प न्यू ट्रेड विच आर द इम्प्रूवमेंट ओवर. नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, सेम, इट इंक्लूड न्यू आइडियाज, एलिमेंट्स फ्रॉम द पास्ट और द डिसकंटेंटमेंट. डिसकंटेंटमेंट का मतलब क्या है? अनहैप्पीनेस फ्रॉम द प्रेजेंट कल्चर विच मे लीड टू कल्चरल इवोल्यूशन. तो दीज आर द फैक्टर विच हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर. आफ्टर दैट नेक्स्ट है डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेज इन द कल्चर, है ना. इसमें ये दिखाया है कि जो कल्चर है उसमें सिमिलैरिटी भी प्रेजेंट होती है और डिसिमिलैरिटी भी प्रेजेंट है ना. कुछ कहीं पे क्या है, मोनोगैमी टाइप ऑफ मैरिजेस हैं, कहीं पे पॉली एंड्री है, पॉलीगैमी है, ठीक है. और कहीं पे जो दूल्हा है, ब्राइड रूम लिव विद द हिज वाइफ हाउस, और कहीं पे जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है. तो दीज आर द वेरिएशन इन द कल्चर, तो विच आर नोन एज द डाइवर्स कल्चर, ठीक है. द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्स कल्चर आर, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कल्चरल डाइवर्सिटी कॉज करते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस कॉज करते हैं. सबसे पहले जियोग्राफिकल लोकेशन, की जो अलग अलग एरिया है वहां पे अलग अलग टाइप का
कल्चर है ना, जैसे कि इंडिया है तो इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे क्या है, कल्चरल डिसिमिलैरिटी है. जियोग्राफिकल लोकेशन हैज फर्निश्ड द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन कल्चर. जियोग्राफिकल एरिया की वजह से भी कल्चरल वेरिएशन प्रेजेंट है. दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज. फॉर एग्जाम्पल फ्लैट ग्रेजिंग लैंड है ना, जो मतलब फ्लैट लैंड है, ग्रेजिंग करते हैं जहाँ कैटल्स, लीड टू नोमैडिक कल्चर. विच में लीड टू नोमैडिक कल्चर मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कैसे होंगे, माइग्रेटरी होंगे. ठीक है, अनकॉन्शियस बिहेवियर इमिटेटेड एंड लेटर ऑन बिकम द कस्टम. अनकॉन्शियस बिहेवियर मतलब किसी इंडिविजुअल ने अनकॉन्शियसली कोई बिहेवियर शो किया और वो बिहेवियर किसी दूसरे ने इमिटेट कर लिया, कॉपी कर लिया. विच मे लीड टू चेंज इन द कल्चर. एन एक्शन डन अनकॉन्शियसली बाय एन इंडिविजुअल एंड अदर इमिटेट हिम. ठीक है, अनकॉन्शियसली किसी ने कोई बिहेवियर शो किया और किसी दूसरे ने वो इमिटेट कर दिया. दिस लेटर ऑन बिकम द कल्चर. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर. ह्यूमन बींग इज फ्लेक्सीबल एंड एडजस्ट हिमसेल्फ टू द नेचुरल एनवायरमेंट है ना. ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर कैसा है, फ्लेक्सीबल है, तो वो इजिली अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं. विच कॉजेज द चेंज इन द कल्चर. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी फॉर्म हो रही है, तो जो दिस द कल्चर इज डाइवर्स बिकॉज वन ग्रुप में बी बैकवर्ड टेक्निकली देन द अदर. तो कुछ जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है वो ग्रुप थोड़ा बैकवर्ड होगा, दूसरा ठीक होगा. दिस कैन कॉज द चेंज इन कल्चर फ्रॉम वन टू अनदर. नेक्स्ट है रिलीजियस बिलीफ. द ग्रुप डिफर फ्रॉम वन टू अनदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ है ना, कि जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उसके बेसिस पे भी कल्चरल डिफरेंसेस है. लाइफस्टाइल, चेंज इन लाइफस्टाइल ड्यू टू एजुकेशन मेक वन ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम द अनदर. एंड जो एजुकेशन है उनका, एजुकेशन की वजह से भी लोगों का लाइफस्टाइल अलग अलग है. तो इन इंडिया देर आर 32 लैंग्वेजेस है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. एंड ईच स्टेट विद अलग अलग उनके फोक टेल्स होंगे, सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग सेशन, विच शो द डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चर. एंड देयर आर थाउजेंड ऑफ फैक्ट्री जहाँ पे जो वर्क है इट इज डिवाइडेड बिटवीन द मैनेजमेंट वर्क, लेबर वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. तो ईच ग्रुप हैज डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर पैटर्न विच हैज लीड टू डाइवर्स कल्चर बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑक्यूपेशन. अ नंबर ऑफ रिलीजन्स आर इन इंडिया है ना, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं तो उनमें भी क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी है. द पीपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन हैज देयर ओन वे ऑफ लिविंग, बिलीव, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सबका जो अपना कल्चर है, उनके अपने नॉर्म्स हैं. ईटिंग हैबिट भी क्या होगी, अलग होगी. जो जैसे इंडिया है तो इंडिया में जो हरियाणवी, पंजाबी, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, हेयर स्टाइल अलग है, हैबिट्स अलग है. आफ्टर दैट नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कल्चर. यूनिफॉर्मिटी मतलब सिमिलैरिटी. तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इज फार मोर कॉम्प्लेक्स देन इट सीम है ना. ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है कल्चर का. इट सीम्स कॉमन कल्चर ऑफ सेम टाइप ऑफ कल्चर प्रिवेलिंग ऑल ओवर द एरिया. ठीक है, कि पूरे एरिया में, जैसे पूरे इंडिया में, इसका मतलब क्या है यूनिफॉर्मिटी, कि पूरे एरिया में कल्चर सेम हो. बट इन इंडिया यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इज बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ गॉड है ना. यूनिफॉर्मिटी किस बेसिस पे है, गॉड के बेसिस पे, कि भगवान एक है, हु इज सुपीरियर टू ऑल ऑफ अस, जो हम सबसे बड़ा है. तो ग्लोबलाइजेशन अफोर्ड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरनलाइज द यूनिवर्सल कल्चर. ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि यूनिवर्सल कल्चर हो एंड थस बिकम पार्ट ऑफ द होल, और एज अ होल मतलब वो पार्ट बने. द कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर द ग्लोबल फोर्सेज करंटली फैब्रिकेटिंग इंडिया. फैब्रिकेटिंग मतलब मेकिंग इंडिया, न्यू मेकिंग इंडिया. वुड पेव द वे ऑफ इंटरनलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल कल्चर. तो दिस हेल्प टू कवर द थिंकिंग ऑफ यूनिवर्सल कल्चर, कि पूरे यूनिवर्स में एक ही कल्चर फॉर्म हो. कल्चर इज डिफाइंड एज अ बिलीफ, वैल्यू, बिहेवियर, मटेरियल ऑब्जेक्ट शेयर्ड बाय द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल. कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ दैट अ नंबर ऑफ पीपल हैव इन कॉमन है ना, कि लोगों का जो कॉमन कल्चर है. अवर हमारा कल्चर कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, जो हम पहनते हैं, वियर करते हैं, व्हेन एंड व्हाट वी ईट है ना, हाउ वी स्पेंड अवर टाइम. अवर कल्चर अफेक्ट वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ. तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जो हमारे थॉट, फीलिंग और एक्शन को
शेप करती है, शेप प्रोवाइड करती है. और एज चिल्ड्रन बिकम सोशलाइज दे लर्न हाउ टू फिट इन टू एंड हाउ टू फंक्शन एज अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. है ना, जब बच्चे का बर्थ होगा तब तो उसको पता नहीं है कल्चर के बारे में, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो करेगा तो उसके जो पेरेंट्स है, उसके सोसाइटी मेंबर हैं, वो उसको कल्चर के बारे में बताएंगे. तो द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टीचेस द ह्यूमन बींग द कल्चरल वैल्यू नॉर्म्स विच प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर एवरीडे लाइफ. व्हेन एन इंडिविजुअल, जब किसी इंडिविजुअल का बर्थ होता है वो क्या होता है, हेल्पलेस होगा, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होगा अपनी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए. बट जैसे जैसे वो ग्रो करेगा ही एक्सपीरियंसेस अ सोशल इंटरेक्शन विच एनेबल एन इंडिविजुअल टू डिवेल्प द स्किल. है ना, वो धीरे धीरे सोशल इंटरेक्शन करना सीखेगा जिससे उसके स्किल डिवेल्प होंगे और वो एज अ ह्यूमन बींग मतलब अपना जो रोल है वो प्ले कर पाएगा. दिस ऑनगोइंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सोशलाइजेशन. ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है कि बर्थ के टाइम पे वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट था, पर धीरे धीरे उसने क्या किया, सोशलाइज होना सीखा, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सोशलाइजेशन. दिस प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटी एज अ होल बिकॉज इट इज द मीन्स ऑफ टीचिंग कल्चर टू ईच न्यू जनरेशन. है ना, ऐसे मतलब जो नई नई जनरेशन आती है उनको कल्चर बताया जाता है. तो सोशलाइजेशन टीचेस ह्यूमन सोसाइटी कल्चर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. सोशलाइजेशन की हेल्प से ह्यूमन सोसाइटी को कल्चर के बारे में पता चलता है और वो ट्रांसमिट करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. इट मीन्स ह्यूमन इन्फेंट आर बॉर्न विदाउट एनी कल्चर. है ना, जो जो कल्चर है वो क्या है, इनबॉर्न नहीं है, इट इज एक्वायर्ड, एक्वायर्ड है. तो जो ह्यूमन बींग है दे आर बॉर्न विदाउट एनी कल्चर, दे मस्ट बी ट्रांसफॉर्म बाय द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. है ना, तो वो चेंज, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज होना. ठीक है, तो उनको कौन चेंज करता है, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन सच एज फैमिली, पेरेंट्स, स्कूल, पीयर एक्सेट्रा, ये है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. तो ये उसके कल्चर को चेंज करते हैं. एंड दिस जनरल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज रेफर टू एज द सोशलाइजेशन. यही बोला गया है कि जो कल्चर और सोशलाइजेशन है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. है ना, कोई भी बच्चा बर्थ से ही कल्चर सीख के नहीं आता है, बट ही और शी एक्वायर कल्चर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम फ्रॉम द फैमिली, टीचर, स्कूल एक्सेट्रा. देन ड्यूरिंग सोशलाइजेशन वी लर्न द कल्चरल नॉर्म्स. It is also important in the process of personality formation. Much of human personality is the result of our gene. Maximum हद तक जो हमारी personality dependent होती है वो हमारे gene के ऊपर dependent होती है. But it also depend on the socialization process जो हमें mold करती है, हमें change करती है, हमें beliefs बताती है, norms, rule, regulation बताती है. तो successful socialization can result in the uniformity within a society. है ना, अगर जो socialization है सक्सेसफुल है तो इस वजह से क्या रहेगा, सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी रहेगी. जो सोसाइटी में बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनका कल्चर क्या होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा, सिमिलैरिटी होगी उसमें. इफ ऑल चिल्ड्रन रिसीव द सेम सोशलाइजेशन इट इज लाइकली दैट दे विल शेयर द सेम. उनके अगर सेम सोशलाइजेशन हुआ है तो उनके बिलीफ सेम होंगे, रूल्स, नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशन सेम होगी. Education is a powerful tool for controlling the people. Those who internalize the norms of society are less likely to break the law. है ना, जिनका socialization अच्छे से हुआ है उनके कम chances है law break करने के. तो socialization is a process by which we learn the fundamental of our culture. जो socialization है उसकी help से हम अपने culture के basics सीखते हैं कि हमारे culture में क्या चीजें हैं. है ना, basics जो होते हैं कि rule, regulation, सारी चीजें, माइन्यूट माइन्यूट चीजें हमें पता चलती हैं. द पर्सनैलिटी ऑल्सो डिवेल्प एंड वी लर्न द अप्रोप्रिएट रोल टू बी परफॉर्म इन द सोसाइटी. हमारी पर्सनैलिटी भी उससे डिवेल्प होगी और हमें अपने रोल का पता चलेगा कि हमारा सोसाइटी के लिए क्या रोल है. अर्ली सोशलाइजेशन इन डिफरेंट फैमिली ऑफन वेरीज इन टेक्निक, गोल एंड एक्सपेक्टेशन. सो द सोसाइटी आर नॉट कल्चरली होमोजीनस एज दे डू नॉट हैव अनएनिमस एग्रीमेंट. अनएनिमस मतलब विच इज एग्रीड बाय एवरी वन. है ना, तो मतलब दे डू नॉट हैव अनएनिमस एग्रीमेंट अबाउट व्हाट शुड बी शेयर नॉर्म्स. है ना, उनके बीच में कोई जो एग्रीमेंट है वो सिमिलर है, मतलब सारे उस चीज से क्या होते हैं, एग्री होते हैं. आफ्टर दैट
नेक्स्ट है सोशलाइजेशन एंड चिल्ड्रन. सोशलाइजेशन और चिल्ड्रन में क्या है कि सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है जो बर्थ के बाद स्टार्ट हो जाती है. अर्ली चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है जिसमें सोशलाइजेशन ज़्यादा होती है, जैसे कि बच्चा लैंग्वेज सीखेगा, अपने स्किल इम्प्रूव करेगा, है ना, एंड फंडामेंटल ऑफ कल्चर लर्न करेगा और उसकी पर्सनैलिटी डिवेल्प होगी. तो डिफरेंट कल्चर यूज डिफरेंट टेक्निक टू सोशलाइज देयर चिल्ड्रन. दे यूज द एजुकेशन इन फॉर्मल और इनफॉर्मल वे. फॉर्मल में हो गया जैसे कि स्कूल या कॉलेजेस से जो एजुकेशन मिलती है. इनफॉर्मल एजुकेशन मीन्स विच इज टेकन फ्रॉम आइदर पेरेंट्स, पीयर ग्रुप एक्सेट्रा. द इनसिग्निफिकेंट एक्शन ऑफ पेरेंट्स कैन हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन. अगर पेरेंट्स प्रॉपर एक्शन नहीं लेंगे अपने बच्चों के लिए तो उनका प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगा. तो इसमें कुछ चीजें दी है जैसे कि एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग गुड और सर्विसेज विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ कुछ चीजें ट्रांसफर करना है ना, जैसे कि हम अपने नेबरहुड के साथ कुछ चीजें ट्रांसफर करते हैं, तो वो चीजें. एक्सचेंज इज अ सोशल प्रोसेस वेयर बाय सोशल बिहेवियर इज एक्सचेंज फॉर सम टाइप ऑफ रिवॉर्ड फॉर इक्वल और ग्रेटर वैल्यू, है ना. एक ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें कि बिहेवियर का भी एक्सचेंज होता है. After that next है competition. It is a process by which two or more people do the work to obtain the same goal, है ना. दो से ज्यादा जो लोग हैं एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे and out of them the best is selected. तो उनमें से जो best होगा उसको select किया जाएगा. This concept of social process is in our society. फिर next है cooperation. Cooperation का मतलब मिलजुल के काम करना. तो इन कॉपरेशन पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव द शेयर्ड गोल. इन कॉपरेशन इंडिविजुअल डू नॉट थिंक अबाउट द पर्सनल गोल, है ना. पर्सनल मतलब कॉपरेशन में इंडिविजुअल गोल के बारे में नहीं सोचेंगे बट जो ग्रुप का गोल है उसके बारे में सोचेंगे. बट वर्क कोऑपरेटिवली फॉर ग्रेट गोल दैट इज गोल ऑफ द ग्रुप और द टीम. नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट नॉर्मली क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब हमारे सामने दो सिचुएशन होंगी, वी आर अनेबल टू चूज बिटवीन दैम, है ना, कन्फ्यूज होंगे. तो इट इज ऑल्सो सोशल प्रोसेस इन विच पीपल आर फिजिकली और सोशली कॉन्क्योर ईच अदर. दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज ऑफन सीन इन द पॉलिटिक्स, है ना, जिसमें जो पर्सन है एक दूसरे को फिजिकली सोशली कॉन्क्योर करना, कंट्रोल करेंगे. आफ्टर दैट कोरियोन. कोरियोन का मतलब क्या होता है? फोर्सफुली कोई काम करवाना, है ना, कि दिस इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल कंपेल अदर पीपल टू डू समथिंग अगेंस्ट देयर विल, मतलब अपनी इच्छा के अगेंस्ट कोई काम करना बेस्ड ऑन द फोर्स. फोर्स किसी ने फोर्सफुली किसी से कोई काम करवा दिया, दैट इज कॉल्ड एज कोरकियन, ठीक है. तो द प्रोसेस ऑफ कोरकियन इज यूज बाय द पुलिस. ये नॉर्मली पुलिस यूज करते हैं. तो ये इंट्रैक्शन का बताया, सोशलाइजेशन ऑफ और चिल्ड्रन का कि कैसे कैसे होगा. इट इज आइदर बाय द कन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन, एक्सचेंज और कोरकियन. दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक.